तो आपकी जो 418 रैंक है हरियाणा स्टेट के थर्ड टॉपर हो, इस कैंप का कितना रोल मानते हो आप उसमें? मैंने भी ड्रॉप किया था, तैयारी की थी, तो एक जो डाउट रहता है कि सुरक्षा वाला डाउट हमेशा रहता है, खासकर लड़की के मामले। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी मन लगा कर पढ़ और यहीं से सफल होकर ही जाना है, और भगवान की कृपा है, बॉस की कृपा है कि एम्स में भी मेरा ठीक सा रैंक आ गया। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। आज एक बहुत अच्छी सी फैमिली, एक सफल बेटी, एक शिक्षित फैमिली के साथ सीएलसी की नीट टारगेट कोर्स का पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जरा मैं पहले परिचय कराऊँ उस फैमिली का। आप नम्रता शर्मा जींद हरियाणा से हैं। आपका नीट 2019 में ऑल इंडिया रैंक था 418, स्टेट हरियाणा में आपका रैंक था 7th, फीमेल में आपका रैंक था 3rd। तो आपके पूरा परिवार आपका एजुकेटेड है। उस एजुकेटेड परिवार ने सीएलसी सीकर का चुनाव किया, क्यों किया, सब बातें आपकी जुबान से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपकी मम्मी सुनीता जी, आप गवर्नमेंट टीचर हैं। हमारे भाई करमवीर जी, आप खुद गवर्नमेंट टीचर हैं। नम्रता के भैया विवेक जी, आप कर्नाटक से MBBS कर रहे हैं, आप खुद मेडिकोच हैं। निश्चित रूप से इतना अच्छा पढ़ा लिखा परिवार हरियाणा से, जींद से जो बहुत दूर है सीकर से, जब दिल्ली बहुत नज़दीक पड़ता है, उनको छोड़ के सीकर आए और यहाँ की सफलता मिली, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक अच्छी फैमिली का अच्छा फैसला रहा। तो मैं सबसे पहले तो नम्रता से बात करना चाहूँगा। बेटा आप ये बताएं, एडमिशन से लेके और आपकी 5 मई को नीट का एग्ज़ाम था और आपका 25 मई को एम्स का एग्ज़ाम था। इस बार तो आपको पता है कि एम्स खत्म बंद हो चुका, 3 मई को एग्ज़ाम हो जाएगा, बट आपने दोनों एग्ज़ाम दिए, 5 मई को नीट का दिया है और 26 मई को आपने एम्स का एग्जाम दिया है। डेट ऑफ एडमिशन से लेके आपकी 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ, 26 मई को एम्स का एग्जाम हुआ, इस 10 महीने में 300 दिन में जो आपने जिया सीएलसी में, वो आपको शेयर करना। अपनी बात रखें बेटा। नमस्कार, जय सीएलसी। मैंने सीएलसी में एडमिशन लिया था 18 जुलाई 2018 को। उस टाइम मेरा बैच शुरू हो गया था 2 जुलाई 2018 से, पर किसी कारणवश मैं लेट आई क्योंकि मैं नज़दीक थी। मेरे माँ बाप को लगा कि मेरा एडमिशन शायद इस बार हो जाएगा, तो इसी कारण मैं 18 जुलाई 2018 को यहाँ आई। जब से मेरा यहाँ शुरू हुआ, मैंने 10 महीने बिताए सीएलसी में। 5 मई 2019 को मेरा नीट का पेपर था। मैंने 10 महीने में सीएलसी में जो जिया, मैं आपको वही सब बताऊंगी। मेरे 2 हफ्ते में माइनर टेस्ट होते थे, मैंने 13 माइनर टेस्ट दिए हैं। 4 माइनर टेस्ट के बाद एक मेजर टेस्ट होता था, जिसमें एक इतवार के दिन हम 2 टेस्ट देते थे, एक एम्स का मेजर टेस्ट और एक नीट का मेजर टेस्ट। उसमें पिछले 4 माइनर का सिलेबस आता था। ऐसे करके मैंने 13 माइनर 4 मेजर टेस्ट दिए। उसके बाद मेरे रनिंग हॉर्स बैच था मेरा, जो कि सबसे अच्छा बैच था सीएलसी का। उसके बाद 10 फरवरी 2019 को मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया। 14 फरवरी 2019 को ही मेरी बायोकेम की DTA शुरू हो गई, जिसमें करीब 20 से 22 सिर्फ बायो और केमिस्ट्री के टेस्ट दिए हमने, जिसमें टाइम मैनेजमेंट हमने बहुत अच्छे से सीखा, क्योंकि हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं करते थे, बल्कि आधे मिनट में एक बायो का क्वेश्चन करने की हमने ट्रेनिंग ली। 14 फरवरी 2019 से मेरी बायोकेम की DTS शुरू हुई, जिसमें हमने बायो और केमिस्ट्री में कैसे टाइम बचा के उस टाइम को फिजिक्स में कैसे हम यूज़ करें वो सीखा। हमने आधे मिनट में एक बायो के क्वेश्चन करने को सीखा। उसके बाद 16 मार्च को मेरी बायोकेम की DTS ख़त्म हुई। 24 मार्च से ही मेरी असली DTS शुरू हुई, जो कि पूरा 1 महीना चली। वो DTS सबसे मतलब फ्रूटफुल रही, डायमंड टेस्ट सीरीज DTS, वो सबसे अच्छी रही। उसमें करीब 15 टेस्ट दिए मैंने, जिसमें मेजर भी थे, माइनर भी थे। उसका आखिरी टेस्ट मेरा 2 मई 2019 को था। 5 मई 2019 को मेरा पेपर था। बॉस मुझे खुद लेके गए, क्योंकि पेपर का समय 2 से 5 था, तो हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया कि कहीं बच्चों को खाना खा के नींद ना आ जाए या आलस ना हो जाए पेपर में, क्योंकि ये 3 घंटे, ये 180 मिनट आपकी ज़िंदगी को डिसाइड करते हैं। तो बॉस ने हमें 10 बजे खाना खिलाया कि अब इसके बाद तुम कुछ नहीं खाओगे। उसके बाद हमें अपने टेस्ट सेंटर्स तक छोड़ने की व्यवस्था की, एक एक बच्चे के लिए एक एक गाड़ी या एक एक क्रूजर को भेजा गया। उसके बाद हमें वापस, जब टेस्ट ख़त्म हुआ, वह हमें वापस बुलाया गया। मेरा टेस्ट सेंटर जयपुर था, जयपुर CLC में बॉस थे। बॉस के साथ हमने आंसर की मिलाई, वहीं नंबर बनाए, परिवार मेरा साथ था। उसके बाद नंबर बनाने के बाद बॉस ने हमें सीकर छोड़ा। उसके बाद अगले दिन हम घर गए। उसके बाद फिर 9 मई से एम्स के पेपर की तैयारी शुरू हो गई। एम्स के पेपर की तैयारी पूरी कंप्यूटर बेस्ड थी, क्योंकि एम्स का पेपर ऑनलाइन होता है। हमने करीब 5 टेस्ट दिए, जो कि हमें एक सिस्टम प्रोवाइड किया गया था। 3.5 घंटे का एक टेस्ट था, अलग अलग पेपर थे, उसमें MCQ, रीजनिंग सब क्वेश्चन आते थे।
5 टेस्ट हमने वो दिए एक कंप्यूटर पे बैठ के। उसके बाद 26 मई को हमने एम्स का पेपर दिया और भगवान की कृपा है, बॉस की कृपा है कि एम्स में भी मेरा ठीक सा रैंक आ गया, 781 रैंक। वेरी गुड। और इस तरह मैं सफल हुई। मैंने एक एक टेस्ट दिया है, एक एक क्लास ज्वाइन की है और बॉस की हर बात। 10 महीने सीएलसी रहे। हाँ जी। 300 दिन सीएलसी रहे। हाँ जी। 300 दिन में आपने लगभग, आपकी मेरे पास रिपोर्ट पड़ी, 75 टेस्ट दिए। हाँ जी। हाँ यानी हर चौथे दिन आपने टेस्ट दिया एक। हाँ जी। ओके, इसके अलावा सीएलसी में एक लाइन में सीएलसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सीएलसी मेरी जिंदगी है, जय सीएलसी। सीएलसी ने मुझे सफलता दी, मेरे परिवार को सफलता दी। हाँ, तो बेटा नम्रता ये तो नहीं बताया कि पूरी साल में माइनर, रैंडम, बायो के, मेजर, एडिट, इनके माध्यम से तो उन्हें एक अपनी सफलता को पाया और बड़ी अच्छी सफलता पाई। अब मैं बताना चाहूँगा अपना शेड्यूल क्लास का क्या है और एक सीएलसी का एक बड़ा नाम है नाइट स्टडी कैंप। नाइट स्टडी कैंप के बारे में और क्लासेस के बारे में आप थोड़ा और बताना चाहेंगे? मेरी क्लासेस हफ्ते में 6 दिन लगती थी। एक दिन में चारों सब्जेक्ट कवर होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। और मेरी क्लासेस का समय होता था सुबह 7 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, ताकि शाम के समय में बच्चा जो एक दिन की क्लास में पढ़ाया गया है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, क्लास में जो पढ़ाया गया उसको दोबारा पढ़े। रात का कैंप होता था, वो बहुत अच्छा था। कैंप का शेड्यूल लास्ट के 3 महीने में इतना गजब का शेड्यूल था हमारा, हमने 13 घंटे कैंप में पढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात, 13 घंटे। कितने दिन, कितने महीने कैंप पे आया आप लास्ट में? 3 महीने, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो आपकी जो 418 रैंक है, हरियाणा स्टेट के 3rd टॉपर हो, इस कैंप का कितना रोल मानते हो आप उसमें? कैंप का सबसे ज़्यादा रोल था, क्योंकि आखिर के 3 महीने में जब बच्चे की क्लास ख़त्म हो जाती है तो बच्चा ये सोचता है मेरी तो छुट्टियां हैं, बच्चा आलस्य में आ जाता है, बच्चा तैयारी कम करता है। कैंप में बैठ के और बच्चों को देख के ये प्रेरणा मिलती है कि ये बच्चा इतनी तैयारी कर रहा है, मुझे इस बच्चे से आगे निकलना है। टॉपर भी साथ में बैठा होता है, टॉपर टॉपर एक कमरे में अलग सीटिंग अरेंजमेंट लगाया जाता है, उस टॉपर को देख के प्रेरणा मिलती है कि ये मेरे से आगे निकल जाएगा, मुझे पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ना है। कैंप में मैं सुबह 8 बजे आती थी, 8 बजे से 1 बजे तक कैंप होता था। 1 से 3 हमारा रेस्ट का टाइम होता था, खाना खाना, सोना। उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक फिर हमारा कैंप होता था शाम को, और 6 से 8 फिर डिनर करके 8 बजे हम आ जाते थे, और रात के 8 बजे से रात के 1 बजे तक हम फिर कैंप में पढ़ते थे। तो डाउट्स आप कब पूछते थे आप उस समय? डाउट्स के लिए हम 1 से 3 में बीच में टाइम निकाल लेते थे और 6 से 8 में। क्या कभी डाउट काउंटर पे आपको वेट करना पड़ा टीचर का? बिल्कुल नहीं। एक सीएलसी का सम, एक असेंबली का बहुत अच्छा पार्ट है, असेंबली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? असेंबली आपके माइंड को बिल्कुल रिफ्रेश कर देती है। बच्चे इतनी तैयारी करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि आगे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। असेंबली में बैठ के सब पॉजिटिव इन्वायरमेंट लगता है, मतलब एक नई ऊर्जा भर जाती है आपकी असेंबली के माध्यम से। मैं नम्रता ने जो बताया है उसको समराइज कर देता हूँ। बेटी साथ खड़ी है तो हो सकता है प्रॉपर शब्दों का सीक्वेंस नहीं बना पाता बच्चा। अब मैं इस बात को समराइज करता हूँ। एडमिशन से लेके 25 मई तक बच्चा मेरे साथ रहा, डेली 6 घंटे क्लासेस रही, हर 2 वीक के बाद आपका माइनर हुआ, हर 4 माइनर के बाद आपका मेजर हुआ, लास्ट में आपका बायोकेम हुआ, लास्ट में आपका डायमंड टेस्ट सीरीज हुआ। 75 टेस्ट आपने दिए 300 दिन में, हर चौथे दिन आपने टेस्ट दिया। आप लास्ट के 3 महीने कैंप में बैठे, कैंप सीएलसी का ब्रह्मास्त्र है, 12 से 13 घंटे बच्चे बैठ के यहाँ पढ़ते हैं, उसकी देन है कि आप स्टेट, एक पूरा स्टेट हरियाणा जैसा एक अच्छा स्टेट जो एजुकेशन बहुत राइज कर रहा है, वहाँ ओवरऑल 7th रैंक पे रहे। उसके बाद मैं यहाँ एक बात आपसे विशेष गार्ड से करना चाहूँगा। सब सीएलसी का मैनेजमेंट एक बात कहता है, शिक्षा, सुरक्षा, संस्कार और सफलता। आप इन चारों शब्दों को क्या आपने यहाँ महसूस किया है सर? आप सर ये कमिटमेंट कर रहे हैं लोगों के साथ? जैसे हम सीएलसी में आए किसी की सलाह से, तो हमें यहाँ जैसे हमने सीएलसी बाउंड्री में कदम रखा तो एक हमें संतुष्टि का भाव महसूस हुआ। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी मन लगा कर पढ़ और यहाँ से सफल होकर ही जाना है। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से शिक्षा के साथ साथ संस्कार सिखाया जाता है। जैसे बेटी ने शिक्षा प्राप्त की, सुरक्षा के मामले हम निश्चिंत रहे, हमें कभी लगा ही नहीं कि हम हमारे बेटे इतनी दूर रह रही है। तो 4 शब्द जो हम कहते हैं, शिक्षा हमने दी, आप एग्री करते हैं जी, सुरक्षा हमने दी, आप एग्री करते हैं, संस्कार हमने दी, आप एग्री करते हैं, सफलता हमने दी, ये तो जवान एग्री कर रहा है। मैं चाहूंगा कि आप माँ के रूप में आप भी कुछ कहें, आप एक माँ हैं। कभी भी मेरे को ये नहीं महसूस हुआ कि मेरी बेटी कहीं बाहर है, उसको कुछ ऐसा फील होगा कि वो पेरेंट्स से दूर है या मम्मी से दूर है। अगर 1% हुआ भी ना तो भगवान का नाम लो और अपने टीचर से डिस्कस करो। हमारे से कहने की कोई ज़रूरत नहीं, हम 300 किलोमीटर पर बैठे हैं, वहीं से आपका सलूशन होगा। एक यंग बेटी घर से बाहर होती है उस समय एक माँ और पिता सुखी नींद सोते हैं, इसका मतलब वहाँ वाकई
शिक्षा है, सुरक्षा है, संस्कार है और सफलता तो है ही है। नो डाउट बेटा, आपकी छोटी बहन घर से बाहर रहती है, बाहर आप रहते हो, हर तरह की घटनाएं अच्छी बुरी सुनते रहते हैं, कभी एज ए आप इल्डर ब्रदर आपके दिमाग में कभी अपनी बहन की को लेकर चिंता या कुछ भाव आए होंगे, तो आपको क्या लगा आपकी बहन सीएलसी में रही? डॉक्टर बनना कोई बड़ी इश्यू नहीं मानता, वो तो निश्चित बात है कि डॉक्टर बहुत बच्चे बनते हैं, बहुत कोचिंग से बनते हैं, पर आपको दो लाइन में ये पूछना चाहूँ मैं कि सीएलसी को लेकर आप अलग से क्या कहना चाहते हैं, कि आप खुद मेडिकल कोच हैं? मैंने भी ड्रॉप किया था, तैयारी की थी, तो एक जो डाउट रहता है कि सुरक्षा वाला डाउट हमेशा रहता है, खासकर लड़की के मामले, पर मैं यहाँ बहुत निश्चिंत था। पर्सनल बेटी की तरह ध्यान रखते थे, बात करने की जरूरत होती थी बात करवा देते थे हमें। यहाँ सुरक्षा और संस्कार, देखो शिक्षा तो हर जगह मिलती है, काफ़ी कोचिंग संस्थान है, सफलता भी देते हैं वो, पर जो सुरक्षा और संस्कार वाला फैक्टर है ना जो सीएलसी का, मैं बहुत निश्चिंत था सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक यू डॉक्टर विवेक। मैं अब इस वीडियो को समराइज करते हुए, हम सब लोग ये बिल्कुल, मैं बहन कह रहा हूँ तो क्यों कह नहीं रहा हूँ, आप पता है कि सीएलसी में जब कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसकी मदर को हम उड़ाते हैं चुनरी, और हमारे शेखावाटी चुनरी का मतलब होता है हमारी बहन होती है, तो ये परिवार जुड़ जाता है हमारा, ये तो पूरा परिवार आपसे कमिटमेंट कर रहा है उन बच्चों से जो अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, कि 2 अप्रैल 2020 से हमारा नेक्स्ट ईयर का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, या आप इस साल नीट का फॉर्म भरा है तो आप 3 मई को नीट का एग्जाम देने के बाद सीएलसी आएंगे। जुलाई तक दोस्तों बैच चलते रहते हैं, आप कहीं भी एडमिशन लें इस वीडियो को देख के सीएलसी आके विजिट करें, और यदि जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो सीएलसी मिलता है तब आप सीएलसी एडमिशन लें। मैं एक बार फिर से आपसे वादा कर सकता हूँ, नम्रता को यहाँ से गए हुए 6 महीने हो गए, ये 1.5 साल पहले आई थी, 1.5 साल में आप तो 6 महीने और बाद आएंगे, यानी 2 साल में सीएलसी मजबूत हुई है, टीम वाइज, इंफ्रा वाइज, संसाधन वाइज, और हर तरह से सीएलसी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हुआ है। आपके बच्चे को हम इनसे बेटर देंगे। हम फिर से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि जैसे इस परिवार का सपना सीएलसी पूरा कर पाई, आपके सपने दोस्तों पूरे कर पाए, और आप जैसे अन्य गार्जियंस की दुआएं, शुभकामनाएं हम भी बनी रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अपने सीएलसी 2 अप्रैल 2020 को 2021 के सेशन के लिए एडमिशन और क्लासेस स्टार्ट करने जा रही है। आप सबका स्वागत है, थैंक यू, जय सीएलसी। जय सीएलसी।